उनके पास कोई है ही नहीं तो क्या करेगी यार। वो गरीब आदमी जिसके पास पत्नी नहीं है, जिसके पास एक एकड़ जमीन नहीं है, वो गरीब का बेचारा क्यों ऐसा पर्सन कर रहा है? जनता नहीं दिख रही का है? गरीब आदमी को फायदा कोई देता है? आज मेरा ही उदाहरण देखो, मैं स्कूल नहीं गया हूं, मेरे को गांधी परिवार ने मंत्री बनाया, भूपेश बघेल ने मंत्री बनाया। इन लोगों को कभी पला नहीं पड़ता है, कभी कभी क्या नाम वो कुरुद वाला विधायक क्या नाम अजय कैसा तरतरता है मेरे बारे में पूछोसने से। गरीब लोगों को सेवा करने वाला, गरीब लोगों को मदद करने वाला कांग्रेस पार्टी है। रामकुमार यादव एमएलए बन गया, इनको दर्द हो रहा है। ओपी चौधरी तुम्हारा बस्तर में लूट के लाया है, लूट का के जेल जाने वाला था, सब छोड़ दिया पार्टी, इसलिए हका बका हो रहा है। मैं चुनाव लड़ूंगा, उनको टिकट भी नहीं मिलेगा वहां से, वहां तो रानी लड़ेगी, लेकिन रानी यार गरीब का चुनाव होगा, रामकुमार यादव जीतेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। कभी नोट दिखाएंगे, कभी कुछ दिखाएंगे। हमारा सरकार थी, विनोद वर्मा कहाँ से पकड़ के लाए थे पता है? ऐसे पकड़ पकड़ के लाएंगे, उसका फायदा तो कांग्रेस को मिला। अभी भी अगर रामकुमार यादव को जितना परेशान करेंगे, कांग्रेस को फायदा मिलेगा। विनोद वर्मा मामला जानते क्या? रातों रात कहाँ से लाए थे चुनाव के समय? ये चुनाव पड़ता है तो इन लोग कुछ भी करेंगे, विकास तो कर नहीं सके। 15 साल में तो कुछ किए नहीं, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ाने का अलावा कुछ किए नहीं, दूध को रेट DST में लगाया, हमारा ट्रैक्टर जोतते नांगर उसको 18% GST, जनता पूछ नहीं सके इसको जेल भेजो। जेल भेजने से भी गांधी जी भी गए जेल, इस देश का आज़ादी में इन लोग एक बूंद कूड़ नहीं काटे, उंगली नहीं कटा है, कोई आदमी कड़ा नहीं हुआ है। उस देश के लोग यही करेंगे, उस देश तोड़ने का काम करेंगे आदमी। 21 तारीख को ही बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में रखी है, क्या मायने निकाले जाए इसके? बता दें भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ाने का बिड़ाने का काम करती है। अगर इतना बाकी दिन है, प्रियंका गांधी उसी दिन आ रहे तो क्यों रैली करना चाहिए? हम लोग मोदी जी आए थे तो कहिए नहीं, हम लोग परिवर्तन आ रहा यात्रा निकला दंतेवाड़ा में किए नहीं। इनका जो दिमाग चलता है, देश को तोड़ो, समाज को बांटो, यही काम है, वो उस दिन हुआ रैली निकालना है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रियंका प्रियंका है, विजय बघेल बघेल है। अब भारतीय जनता पार्टी को जानते हो, पूरा देश में नखरा रहे लोग। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, उपचुनाव में 45,000 वोट से इंडिया गठबंधन और हमारे अखिलेश यादव का पार्टी जीता है। इनसे इंडिया गठबंधन होने के बाद इन लोग बकला गए हैं। कभी भी चुनाव में ऐसा नहीं होता, कोई बड़े नेता आता है तो उसको अलग जगह अलग रास्ता होना चाहिए, 2 दिन के बाद करना चाहिए, 3 दिन के बाद करना चाहिए, लेकिन इनका मानसिक क्या है? देश को बांटो, समाज को तोड़ो, तो लेकिन समाज रहे धीरे धीरे लोग। इस देश पढ़े लिखे लोग हो गए, छत्तीसगढ़ खासकर ईमानदार लोग हो गए, इसका जवाब चुनाव में देंगे। देश का प्रधानमंत्री आके बोलता है मैं दान खरीद कर रहा हूं, पिरोगी जी क्या नुकसान किया हो, वहां भी खरीद करनी चाहिए, मध्य प्रदेश में खरीदी करना चाहिए। क्या देश का जनता अंधा है क्या? अंधा है क्या? तुम लोग अंधा है क्या? तो उनके बाद में पीछे क्यों जा रहे भाई? कहा पहले कान को कौवा ले गए, कौवा के पीछे नहीं भगो, कौवा कान को भी देखो है कि नहीं, ये वही वाले है, कान को कौवा ले गए, कौवा ले गए। 10 बार झूठ बोलो उतना बड़ा नेता, हम लोग जितना ईमानदारी बोलोगे उतना बड़ा नेता। राहुल गांधी को जानते हैं, जब उसका सदस्यता खत्म हुआ, आपके मीडिया वाले पूछ रहे थे माफी मांगो, राहुल गांधी बोला मैं गांधी हूँ, माफी नहीं मांगूंगा, सरवरकर नहीं हूँ। ये हमारा पार्टी का लाइन, ये हमारा पार्टी का नीति है, बोले फांसी चढ़ सकते हैं, देश का कानून के अंदर मर सकते हैं, लेकिन माफी नहीं। देश के जनता में एग्रीमेंट है, ये देश बेचने वाले लोग यहाँ पर 15 साल का मुख्यमंत्री और उनका चेहरा नहीं, कहाँ तो आसाम के आ रहे हैं, गोवा के आ रहे हैं, कभी लोग देखे भी नहीं होंगे। ना मतलब हमारा गांधीवादी रास्ता में चलता है, आंदोलन करेंगे क्या गोली मारेंगे?
आंदोलन किए, रेल के ऊपर सोए, आगे फिर करेंगे और करेंगे। जनता के साथ है कांग्रेस पार्टी, जनता के लिए लड़ती है कि जनता के लिए मरती है। इस देश में गांधी परिवार इस देश के लिए मरा है, देश के लिए जिया है। ये रेल हम लोग रेल लाइन किया है, रेल जनता के लिए पैदा किया है, उसको क्यों ये कर रहे हैं अडानी को देने के लिए? ये सीधा सीधा आरोप है मेरा, ये पैसा कम हो गया, घाटा में चल रहा है, इसलिए अडानी को दू। ये पलानी के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये पलानी पास नहीं होगा। 2024 में चाबी राहुल गांधी के हाथ में आएगा, रेल धड़ाधड़ चलेगा, विकास होगा, रोजगार होगा, महंगाई कम होगा, और इस देश में जो जीएसटी है आम आदमी को लगा है, दूध में, रोटी में, वो सब खत्म होगा।